बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी पहली वीडियो है जो हम आपके लिए बना रहे हैं। इसमें आज हम जो है ना शोल्डर का मीट है लैम का, वो हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें ये तकरीबन 2 kg लैम शोल्डर है, इसमें तेल डालेंगे हम। ये टमाटर है, प्याज, अदरक, जिंजर और ग्रीन मिर्च है, दही चाहिए हमें, लेमन चाहिए, ये बसार है, ये जो है मिक्स मसाला है, ये धनिया और ये नमक है, काली मिर्च है और अदरक है। हम आज ये इसमें डालेंगे। तो चल फिर देखो, हम इसमें ये तेल है ये इसमें डालेंगे। अच्छा, हम सबसे पहले जो है हम मीट को जो है ना वो रखेंगे, भुनेंगे। मीट को भुनने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो है। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, भूनने के बाद ये अपना कलर जो आस्ते आस्ते चेंज कर रहा है। तो इसमें इसके साथ ही हम जो है ना वो इसमें बाकी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। हम इसमें प्याज डालेंगे, तकरीबन 1.5 जो है ना प्याज था वो हमने सारा डाल दिया। इसमें हम अभी ये टमाटर भी जो है ना वो साथ ही डाल देंगे ताकि प्याज भी गल जाएगा, टमाटर वगैरह भी जो है ना वो सब अपनी अपनी जगह गल जाएंगे। जब गोश्त गलेगा तो ये भी उनके साथ गल जाएंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक ये भी हम पेस्ट हम डाल देंगे। ये जो ग्रीन मिर्च है, नीली मिर्च अपनी पहाड़ी जबान में इसको बोलते हैं, ये हम बाद में शामिल करेंगे। अब हम इसको कुछ देर के लिए इसके ऊपर ढकना रख देंगे तो ये अपना पानी छोड़ेगा, तो उसमें ये सब चीज़ें थोड़ी गल जाएंगी। तो फिर उसके बाद हम बाकी जो स्टफ करेंगे जो है ना। बहुत अच्छा, ये देखो इसने अभी पानी जो है ना छोड़ दिया, तो इसको थोड़ी देर और हम रखेंगे। उसने उसके पानी बिल्कुल जब सूख जाएगा तो फिर बाकी जो इसमें चीज़ें डालनी है वो डालेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको फुल हीट पे जो है ना वो रखना है और साथ साथ इसको जो है ना वो हलाते भी जाना है, क्योंकि नीचे लग ना जाए, लगने का भी खतरा होता है। तो इसलिए तकरीबन 20-25 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। तो फिर उसके बाद इसको फिर देखेंगे कि इसका क्या बनता। अच्छा,
थोड़ा सा तकड़े हैं जी, इसना मिलाना पानी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पानी बस सुखने वाला होया। इसको हलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे, अगर ये नीचे लग जाए तो फिर गोश्त का मज़ा नहीं रहता, इसलिए इसे आस्ता आस्ता ऐसे हलाते रहें ताकि इसका जो है ना जब तेल ऊपर आए तो फिर हम इसके बाकी मसाले वगैरह जो है ना वो इसमें डालेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारी पहली कावश है, तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी और आप लोगों को पसंद भी इंशाल्लाह आएगी। अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बाद बंदे जो है ना वो इसको कुकर में डाल के भी जला लेते हैं, लेकिन मैं जब भी बनाता हूँ मैं ऐसे बनाता हूँ, मैं कुकर में नहीं डालता, क्योंकि फिर वो जो 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 इस तरह का जो जायका आता है वो कुकर में नहीं आता है। कुकर वाला जो होता है वो मुझे उसका जायका अच्छा नहीं लगता, तो मैं हमेशा जब भी बनाता हूँ मैं इसी तरह बनाता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन यह है कि चीज़ अच्छी बनती है और खाने का भी मज़ा आता है जो है ना। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम एक चम्मच जो है ना वो रेड चिली डालेंगे, दो डेढ़ चम्मच जो है ना इसमें डाल देंगे रेड चिली, क्योंकि ये चम्मच छोटी है तो ये डाल देंगे। ये दलफड़ सा मिक्स जो है ना मसाला वो डेढ़ चम्मच ये डाल देंगे। फिर इसमें हम जो है वो थोड़ा सा धनिया डालेंगे एक चम्मच के करीब, इसमें नमक दो चम्मच नमक डालेंगे, या आप अपने हिसाब से जो है ना जितना आप ले लेते हैं उतना डाल दें। हर्द डालनी है तकरीबन आधी चम्मच से थोड़ा सा कम जो है ना वो डालनी है। अब ये देखें आप कि कितना अच्छा ये भुना गया है। और अब इसमें एक चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है कि इसमें अभी दही जो है ना वो हमने ऐड करना है, ये दही है ये ऐड करना, और ये ग्रीन मिर्च भी इसमें हमने शामिल कर देनी है। तो थोड़ा दही को मिक्स करना और फिर इसमें
थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा नीचे ना लगे। इसमें थोड़ा नींबू जो है वो छोड़ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि इसका कितना अच्छा कलर जो है अभी आ रहा है। तो ये आपका कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको भुना रखें तो वो भी रख सकते हैं। अगर इसमें पानी डालना चाहते हैं तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, वो तो आप पर मैसर है, जैसे आप इसको पसंद करते हैं। तो देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है इसका। तो अब हम इसमें फ्रेश धनिया जो है वो डालेंगे। अब हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको चखेंगे कि इसका क्या जायका है, क्या है। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असं अज जी चिकन मीट कढ़ाई बनाई है, दिसने में तो बहुत अच्छी दिसनी है। चलो इसकी असं कुछ भी करने हैं, ट्राई करने हैं कि इसका क्या जायका, क्या आखना दिसने। जो रंग तो इसना अच्छा दिसना, लेकिन जायके तुम्हें पता लगे कि क्या इसमें जायका क्या गया। तो बहुत अच्छा जायका इसमें, नाइस, हर चीज़ परफेक्ट है। नमक, मर्च, हर चीज़ अपने हिसाब न ले, गली भी बोटी। तुस प्लीज स्टेप बाय स्टेप इसकी जरा फॉलो करो तो इंशाल्लाह तक कितना जायकेदार कढ़ाई गोश्त बन सी। तो दूसरा ये है भी हमारे चैनल की, क्योंकि मैं नवा तो इसकी सब्सक्राइब करे तो हमारी हौसला अफजाई करे, ताजे आइंदा भी मैं जरा ना तुम्हें अच्छी तो अच्छी वीडियो जरा ना वो बनाई के तुम्हें पेश खिदमत करा। तो अल्लाह ने हवाले तो अल्लाह तुम सारे की खुश रखे। तो अल्लाह हाफिज़।